जहां एक ओर शहर को स्मार्ट और सुंदर बनाने का कार्य प्रगति पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीवर टैंक की सफाई के लिए जगह जगह पर गड्ढों को खोदकर उनकी सफाई की जा रही है, जिससे जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। लेकिन स्मार्ट सिटी के लापरवाह कर्मचारियों की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में स्थित कटरा मोहल्ला का है, जहां के राजीव गुप्ता सुबह अपनी बाइक से घर से किसी काम से बाहर जा रहे थे। जैसे ही बाइक सीवर टैंक के नज़दीक पहुंची तो फिसलकर सीवर टैंक में जा गिरी। राजीव गुप्ता के सीवर टैंक में गिरने से उनके सर में काफ़ी गंभीर चोटें आ गई हैं, जिसके बाद उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों के द्वारा सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया। परिवारजनों के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक राजीव की मौत का जिम्मेदार नगर निगम के कर्मचारियों को बताया है। उनके द्वारा कहा गया, सीवर टैंक की सफाई के दौरान गड्ढों के आसपास सेफ्टी के संसाधन की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसके कारण बहुत सी जान चली जाती है। परिजनों के द्वारा लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरएसएस की संपर्क प्रमुख मधुबाला गुप्ता और इनकी पत्नी को सरकारी सर्विस मिले और क्या कहते हैं दोनों बच्चों और मकान मिले इनको, क्योंकि इनका ना मकान है ना कुछ भी है और ये लड़की घूमी बह रही है। इन्होंने पूरा जो कमाई करी लड़की के इलाज में लगाया, इसलिए वो अपना मकान नहीं बनवा सकते। हमें सरकार से ये मदद चाहिए। उनके घर परिवार में और कितने सदस्य हैं? इनके घर परिवार में देवर जेठ है। आजकल कौन देवर जेठ किसी की मदद करता है? कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का लड़का भी छोटा है, 12 साल का। सरकार से किस तरीके की मांग रही है? सरकार की मदद ये, सरकार की मांग ये है कि ये घर का पूरा मुआवजा दिया जाए, इसको मकान मिलना चाहिए और सरकारी सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका कैसे चलाएगी लड़की। अब आप देख रहे हैं लड़की की उम्र क्या है, दोनों लड़कियाँ ये आप देख रहे, फोटो लो इनको, ये लड़कियाँ हैं। ये लड़की को बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल सदमा में बैठ गई, पागल हो गई, पागल हो गई, सदमा में हो गई। आप देखो, बात करो इस लड़की से, बिल्कुल बहन सुबह का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया है और उनके बच्चे छोटे छोटे, उनको मदद चाहिए। सब प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये लड़की सुनती नहीं, बोलती नहीं, लड़का भी छोटा है उनका, बहुत छोटा है, कुछ नहीं, कोई परिवार में और कोई नहीं है उसका। तो ये उनकी मृत्यु हुई है तो इसमें क्या नगर निगम की लापरवाही सामने आई है? बहुत बड़ी लापरवाही, उन्होंने बहुत गड्ढा खोदा, हर जगह उन्होंने खोद खोद के रखे हैं, कभी लापरवाही क्यों छोड़ देते, कोई सुबह जाए रात में कभी गिर जाए, किसी कोई किसी की परवाह नहीं है जरा सा। प्रशासन से किस तरीके की मांग करेंगे? मैं कह रही हूँ ये खुदवाई नहीं करते, खोदा तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अब जब हम एक जनता के लिए, सब जनता के लिए लापरवाही है, ये कोई भी कर सकता है उसमें। कोई इनके लिए मुआवजे की भी मांग करेंगे प्रशासन से? मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बच्चे छोटे छोटे, क्या उसमें कुछ नहीं है उनके पास, ये कमाई का धंधा, अकेले ही थे वो बेचारे, अकेले ही थे वो कमाई के धंधे के लिए। मुझसे क्या मैटर है? आज सुबह रोजमर्रा की तरह डॉक्टर राजीव गुप्ता अपने घर से दूध लेने के लिए महेंद्र नगर के लिए गए थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर। तो जो स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम ने शहर में जगह जगह गड्ढे बना रखे हैं और पूरा शहर खोद रखा है, उसमें हमारे युवा साथी राजीव, डॉक्टर राजीव गुप्ता का किसी भी कारण गड्ढों में गिर करके एक्सीडेंटल किसी भी घटना दुर्घटना के कारण उनका मृत होना बताया जाता है। साइड से कोई मार घटना गया, का विवरण ये है, घटना का विवरण ये बताया जाता है कि जब घर से निकले, जब 7:30 बज गए 8 बज गए तो दूध लेकर घर पर नहीं आई, तो घर वाले चिंतित हुए, परेशान हुए। उन्होंने पूछा, दूध वाले को पूछा तो बोले हमारे यहाँ डॉक्टर साहब अभी दूध लेने नहीं आए हैं। जब उनको ढूंढा, उनकी तलाश की तो ये पता लगा पुलिस के द्वारा कि वहीं के निवासियों द्वारा कि उनको अस्पताल ले गई है लेपर्ड। जब देखा तो यहाँ पर उनको जिला अस्पताल द्वारा कोई फर्स्ट एड भी नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से डॉक्टर राजीव गुप्ता ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। घर परिवार वाले परेशान हैं। CMO व CMS द्वारा भी कहीं कोई अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए कोई टीम गठित नहीं की है डॉक्टरों की। और यह चिंता का विषय है कि नगर निगम ने पूरे शहर में, अलीगढ़ महानगर में, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया है और शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर पूरा इन्होंने नरक बना रखा है। जिस अभी कुछ घटना चार पाँच रोज पहले की है, एक बेटी छात्रा जो है, छोटी सी नन्ही छात्रा यशवी वार्ष ने भी जाम के चक्कर में, अरे पुलिस रोज अतिक्रमण खुद कराती है, खुद ये कराते हैं, ये भ्रष्टाचार नस नस समाया हुआ है। और मेरी यही, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व नगर निगम प्रशासन पूरी तरह दोषी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं, ऐसे नकारा निकम्मे नगर प्रशासन, नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे।
नगर निगम की लापरवाही से मृत भाई डॉक्टर राजीव गुप्ता के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दे, बा ये जिला चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक मलखान सिंह इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि इस दुख की घड़ी में परिजन परेशान है, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। कोई भी इन्होंने भी पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं करी है। घटना है ये घटना महेंद्र नगर की है। वो कहाँ रहते हैं? ये थाना दहलीगेट क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कटरा में रहते हैं। व्यवसाय से डॉक्टर राजीव गुप्ता है, जिनके बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार प्रिंस हैं, और बड़े भाई राजकुमार प्रिंस साहब हैं, और जिनके भांजे नितिन घुट्टी भी हैं। करीब लगभग घर से गए थे दूध लेने, महेंद्र नगर जो पिछले दिन जाते थे दूध लेने, ठीक है, जब तक अगले घंटे आध घंटे में दूध लेकर लौटे आते थे, आज लौटे नहीं। घर में चिंता हो गई, क्योंकि पत्नी जो है वो कहने लगी कि अभी तक नहीं आए हैं। मोबाइल जो है उनका वो इत्तफाक से आज घर ही रह गया था, तो मिल नहीं रहा था। इनके साथ मैं दूध वाले को फ़ोन किया तो बोले कि डॉक्टर साहब अभी तक दूध लेने आए नहीं, ठीक है। फिर चिंता हुई, फिक्र हुई, बच्चा जो है मैं देखने गया तो माँ महेंद्र नगर में जब रास्ता वहाँ पर जहाँ पर गड्ढे वड्ढे बने हुए हैं, वहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई जो है ना मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से गिर गए थे, उनको पुलिस वाले वहाँ ले गए जिला अस्पताल। तब फिर यहाँ जिला अस्पताल आए, यहाँ जिला अस्पताल में हम गए डॉक्टर साहब पे, उन्होंने कहा कि साहब वो मोर थ्री में ले गए उन्हें। हमने कहा उनका ट्रीटमेंट वगैरह कुछ मिला या नहीं मिला, तो वो जो है यहाँ पर उनका आए थे चेकअप किया था, तो वो जब तक ख़त्म हो चुका, तो हमने कहा वो फर्स्ट एड वगैरह कुछ उनको ऐसा उसको जो प्रारंभिक जांच की जाती है उसमें ही कोई हमको नहीं पाया गया। कोई डॉक्टर साहब से ये बात हुई, उसके बाद परेशान है जब से देख रहे हैं यहाँ पे, अभी कोई सुबह से खड़े हैं, आगे की कुछ बात ही नहीं चल। आपको कौन था? मेरा छोटा भाई था। क्या नाम है आपका? राजकुमार प्रेस।